दोस्तों, यदि आपको फ़ोन कॉल के माध्यम से या फिर व्हाट्सएप या फेसबुक या इंस्टाग्राम जैसे प्लेटफॉर्म पर चैटिंग के द्वारा कोई व्यक्ति जान से मारने की धमकियां दे रहा है या आपको धमका रहा है या गालियां दे रहा है और आप उन प्लेटफॉर्म के माध्यम से जैसे कि व्हाट्सएप, फेसबुक या फिर इंस्टाग्राम इन चैटिंग को स्क्रीनशॉट लेकर और या फिर फ़ोन कॉल की रिकॉर्डिंग को एज एन एविडेंस कोर्ट में दिखाना चाहते हैं और उन एविडेंसेस के माध्यम से उस पर्सन को जो आपको धमकियां दे रहा है उसे सज़ा दिलवाना चाहते हैं, तो दोस्तों आपको सबसे पहले यह ध्यान रखना होगा कि जिस स्क्रीनशॉट को व्हाट्सएप चैटिंग की या फेसबुक चैटिंग की या जो ये वो धमकियां दे रहा है किसी भी प्लेटफॉर्म पर, उसकी चैटिंग जब भी आप दिखाएंगे कोर्ट में प्रस्तुत करेंगे तो आपको सेक्शन 65B इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 का एक सर्टिफिकेट लगाना होगा। उस सर्टिफिकेट के माध्यम से ही आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या डॉक्यूमेंट्री एविडेंस को पेश कर सकते हैं कोर्ट में। और दूसरी चीज़ जो कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो यह है कि जब भी आप इन एविडेंसेस को कोर्ट में पेश करेंगे 65B के सर्टिफिकेट के साथ, तब आपको हमेशा याद रखना है कि जिस डिवाइस से, जिस मोबाइल से या जिस किसी भी लैपटॉप से या किसी भी अन्य डिवाइस से वह चीज़ें, वह व्हाट्सएप चैटिंग, कॉल रिकॉर्डिंग या जो उसके द्वारा दी गई धमकियां हैं, वह जिस भी डिवाइस से आपने ली हैं कोर्ट को प्रस्तुत कर रहे हैं सेक्शन 65B के माध्यम से, तब आपको ओरिजिनल डिवाइस में से वह डिलीट नहीं करनी है। वह ओरिजिनल डिवाइस भी आपके पास मौजूद होना चाहिए जिससे आपने वह एविडेंसेस कलेक्ट किए हैं और कोर्ट में प्रस्तुत कर रहे हैं, तभी आप उन एविडेंसेस के माध्यम से, उस ओरिजिनल डिवाइस के माध्यम से, सेक्शन 65B द इंडियन एविडेंस एक्ट के माध्यम से ही आप उस व्यक्ति को, उस पर्सन को जो आपको धमकियां दे रहा है, उस अक्यूज़ को सज़ा दिलवा पाएंगे।